सर इधर एक पहले एक साइड फिर उस साइड देखेंगे। सर नामांकन दाखिल किया है अभी, क्या कहेंगे पहले नामांकन दाखिल किया, क्या कहेंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, आज का दिन जो था पहले से डिसाइडेड था कि आज हम नामांकन दाखिल करेंगे और आज हमने किया और अब तैयारी इलेक्शन। सर मुकाबला किससे देख रहे हैं आप? मुकाबला जो बोलने की बात है, दोनों पार्टियाँ नेशनल पार्टी राष्ट्र पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा था हमने, दोनों राष्ट्र पार्टी को हराया था आप जानते हैं 5 साल पहले, और अभी भी हमारा मुकाबला जो है दोनों राष्ट्र पार्टी से है, बीजेपी से और कांग्रेस से। सर जोश कितना है इस बार? जोश जनता देख लो आप, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है, जनता का जोश देख लो, आपने खुद देख लिया कितने हज़ारों की संख्या में जनता यहाँ पहुँची है, मैं अपने मुँह से मैं क्या बताऊँ। लगता है इस बार फिर से आज़ाद प्रत्याशी जीत कर आएगा? लगता नहीं, 100% जीत के आएगा। लगता क्यों है? इतनी जनता ने फैसला दे दिया, आज ही दे दिया फैसला जनता ने, नहीं तो इतनी भारी संख्या में बिना बुलाए जनता पहुंची है, इसका वो क्या मतलब है? बिना बुलाए हमने तो किसी को कहा ही नहीं, हमने तो सोचा था चुपचाप जाकर के अपना नाम मांगकर करके चले जाएंगे, लेकिन इतना जोश आपने देखा हमने देखा तो ये सीधे सीधे जीत के संकेत है, सीधे सीधे आज जनता ने फैसला दे दिया कि आज होशियार सिंह के साथ ही जो है डेरा की जनता है और रहेगी और हमेशा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने गलत तो नहीं कर दिया सर, कहीं टिकट नहीं देकर आपको? हाँ बिल्कुल किया, धोखाबाजी की बिल्कुल, मैं कहूँगा कि पीठ के पीछे छुरा मारा। किसने? कुछ लोग थे। किसने? जो लोग थे जिन्होंने टिकट कटवाई, जो लोग थे जो हमें आना नहीं देना चाहते थे इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ने हमें लिया पर उसके बाद छोड़ दिया, और अब टिकट की बारी आई थी, हमने पूरा विश्वास रखा था पार्टी के ऊपर कि हमें देंगे, लेकिन विश्वासघात हुआ है, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरी डेरा की जनता के साथ विश्वासघात हुआ, और इतनी बड़ी नेशनल पार्टी जो है कमिटमेंट करने के बाद पार्टी के अंदर लेने के बाद अगर ऐसा विश्वासघात करें तो ये शोभने नहीं है, ये शोभा नहीं देता किसी नेशनल पार्टी के लिए, ये ठीक नहीं। सुशांत सिंह किन मुद्दों को लेकर चुनावों के बीच उतरे हैं? अनेक मुद्दे हैं, सबसे यहाँ पर आ रहे जो जिन्होंने डेरा को प्रयोगशाला बना दिया है, जनता के समक्ष उतरेंगे और बताएंगे हमने क्या क्या कार्य किए, अपने कामों को बताएंगे, आपके बार जो वोट होगा वो काम को होगा, वोट किसी पार्टी को नहीं होगा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होगा, ये वोट पड़ेगा काम को, वोट पड़ेगा मान सम्मान को, वोट पड़ेगा डेरा की धरती को बेचने से बचाना है, बिकने से बचाना है, हमारा उद्देश्य एक ही है, हम सेवा के भाव से आए, हम सत्ता लोभी नहीं है, जो सत्ता के लोभी है वो बदल रहे हैं, अट्टा भट्टा कर रहे हैं, क्यों चला गया यहाँ से रविंद्र रवि ज्वालाजी को, नहीं जाना चाहिए, आज 10 साल से वो डेरा की सेवा में लगे थे, अचानक क्या उनको नजर आया वो चले गए, ये सारी बातें हम लोगों के बीच रखेंगे और लोगों को पूछेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों जनता के साथ धोखाधड़ी होती है, कुछ दिनों के लिए आते, कुछ वर्षों के लिए आते जीतते और फिर चले जाते डेरा को, डेरा की जनता को छोड़ के, जो लोकल होगा उसी को दर्द होगी अपने लोगों की, बाहर वालों को दर्द नहीं होगी, तो ये मैं आज कहना चाहूँगा समस्त मीडिया के सामने कि जो हुआ डेरा के साथ गलत हुआ, डेरा की जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है, और ये हम जनता को बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे, सभी को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।